Dear the students, this is Juhi Mishra from Man Academy. और आज की लाइव सेशन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का एक बड़ा सा वेलकम है. आज का जो लेक्चर है वो प्लांट मॉर्फोलॉजी का एक सेकेंड टॉपिक हम लेंगे और लीफ डिस्कस करेंगे आज, ठीक है. और स्टेम के ऊपर जो लेक्चर होगा वो संडे को आपको मिलेगा. आज हम लीफ, लीफ स्ट्रक्चर, लीफ टाइप्स और लीफ मॉडिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे. सो स्टार्ट करें आज का मेन लेक्चर. टॉपिक आपको क्लियर है, द लीफ, इट्स मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशंस इन एंजियोस्पर्म्स. हम फ्लावरिंग प्लांट की बात करेंगे. ये मेरी प्रोफाइल है, मेरे एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, मेरे एक्सपीरियंस, मेरा इंटरेस्ट, मेरी कुछ अचीवमेंट्स हैं यहाँ पे, वो देख सकते हैं आप. साथ में ये लास्ट में मेरी अन अकेडमी प्रोफाइल लिंक है, जिसपे आप जाके अगर मुझे फॉलो करें तो बायो से रिलेटेड मेरे जितने भी अपडेट्स हैं आप उनसे रिलेटेड तुरंत सारे नोटिफिकेशंस ले सकते हैं. सो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है. तो पॉइंट ऑफ डिस्कशन पे हम फोकस करें. आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, जस्ट वेट फॉर अ मिनट. कैसे क्वेश्चंस आते हैं सब बताऊंगी आपको. तो ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या होगा हमारा, सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज लीफ, देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीफ. इट इज नॉट अ मैटर ऑफ सॉरी डियर, जस्ट वेट फॉर वन मिनट. एंड टाइप्स ऑफ लीफ, ठीक है. टाइप्स ऑफ लीफ में हम सिंपल लीफ को पढ़ेंगे, फिर हम कंपाउंड लीव्स के बारे में पढ़ेंगे, देन नॉर्मल फंक्शंस ऑफ लीफ, देन फिलोटेक्सी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ. मैं आपको सबसे पहले बता दूं, नीट के एग्जाम में या एम्स के एग्जाम में कैसा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा. एक्चुअली द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एग्जाम्पल, ठीक है. विच टाइप ऑफ क्वेश्चन यू मे फेस इन योर एग्जाम, इट इज बेस्ड फिगर बेस्ड क्वेश्चन यू कैन सी, ठीक है. मैं नोट कर दे रही हूं आप इन चीजों पर. आप एक पॉइंट ध्यान दें, बायो में एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी, ये तीन ऐसे सेक्शन हैं जहां फिगर बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं. तो यू कैन सी फिगर बेस्ड क्वेश्चन. मैच द कॉलम टाइप. मैच द कॉलम टाइप में कैसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, कि अभी जब मैं आपको फिलोटेक्सी पढ़ाऊंगी तो टाइप्स ऑफ फिलोटेक्सी पर आप जाएंगे, तो फिलोटेक्सी कितने टाइप की होती है, कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, कैसे कैसे एग्जाम्पल्स हैं, तो यू विल हैव टू मैच दैट एग्जाम्पल विद दैट पर्टिकुलर टॉपिक. तो मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन आपको मिलेगा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ, where you have to see the modified functions of leaf other than photosynthesis. तो photosynthesis जो leaves का एक normal function होता है, उसके अलावा आप यहाँ पे जो मतलब functions पढ़ेंगे, जैसे storage के form में, support के form में, reproduction के form में, spines, thorns के form में, tendrils के form में, तो example topic ऐसे ही question आपको यहाँ मिलेंगे, ठीक है. तो आपको बस ज्यादा यहाँ पे कोई मैकेनिज्म तो है नहीं कि बहुत वर्कआउट करना है. हाँ, वर्कआउट का मतलब आपको लर्न करने हैं एग्जाम्पल्स, स्पेशली एनसीईआरटी वाले सारे, और उसके बाद आप सीधे क्या करेंगे और कैसे याद करेंगे एग्जाम्पल, एक छोटा सा पेन पेपर पे लिस्ट बनाइए, डेली 5-10 मिनट रिवाइज करिए. एक दिन में 10 घंटे पढ़ने से अच्छा है इसको आप रोज 5 मिनट पढ़िए, तो एग्जाम तक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. भले आपको न लगे कि याद है, लेकिन जब आप किसी चीज को जैसे इक्वेशंस वगैरह केमिस्ट्री में याद करते हैं तो वहां भी यही होता है कि आप इसको क्या करते हैं, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, लास्ट में वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगा आपके, ठीक है. तो रेगुलर प्रैक्टिस करें. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे द लीफ, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स, ये हमारा पहला टॉपिक है. और आपके सामने यहाँ पे जो एक इमेज है वो एक लीफ की इमेज है, और ये लीफ जो है आपने ऐसी लीव्स देखी होंगी, ये रिसिनस की लीफ है, और भिंडी एबेल मोस्कस एस्कुलेंटस, भिंडी की पत्तियां ऐसे होती हैं, ठीक है. तो ये नॉर्मल एक लीफ है. और क्या क्या चीजें फोकस करनी है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं लीफ में, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जैसे हमने अभी रूट पढ़ा था, तो रूट क्या था, एक अंडरग्राउंड पार्ट था, बट लीफ और स्टेम क्या होता है, दे आर द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, जमीन के ऊपर होता है, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है क्योंकि लाइट के सामने है, लाइट की तरफ है, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है, अपोजिट टू ग्रेविटी होता है, ठीक है. शूट एक्सिस पे डेवलप करता है, यानी कि
जर्मिनेटिंग सीड के प्लिम्यूल पार्ट में शूट बनेगा एंड शूट में लीफ प्राइमोर्डियल सेल्स होती हैं जो आगे चल के लीफ उसकी ब्रांचेस और उसके फर्दर पार्ट्स बनाती हैं। आप जब एक लीफ को देखते हैं नॉर्मली तो लीफ में आपको क्या देखने को मिलेगा, लीफ में जो उसका स्टाक होता है, स्टाक को हिंदी में डंठल कहते हैं, ठीक है, जो एक जैसे आपको मैं ये दिखाऊं, मैंने कुछ एग्जांपल्स ले रखे हैं यहाँ पे, मैं आपको बताऊंगी भी कि ये जो बेस होता है लीफ का, लीफ का मतलब जिस इस पे लगी हुई है लीफ, दैट स्टाक इज कॉल्ड पेटियोल, द पेटियोल इज द लीफ स्टाक, और उसके ऊपर जो ग्रीन कलर का एक बड़ा सा पार्ट आप देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड लीफ ब्लेड, ठीक है, तो जो उसका सरफेस एरिया होता है द ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ दैट इज कॉल्ड लीफ ब्लेड एंड लीफ ब्लेड इज ऑल्सो कम टू बी नोन एज लीफ लैमिना, ठीक है, तो लीफ ब्लेड एंड लीफ लैमिना बोथ आर सिनोनिमस टू ईच अदर एंड ब्लेड आर हैविंग टू मच कंपोनेंट्स लाइक द टिप ऑफ द लीफ दिस इज कॉल्ड एपेक्स, ठीक है, लीफ टिप जो किनारा होता है लीफ का that is called leaf tip or leaf apex, the sides is called margin, जो किनारे होते हैं मतलब जो किनारे lateral sides जो होंगी blade का corner जो होगा that is called margin and the main conducting strand this is midrib, जो बीच में एक आपको एक vein दिख रही है बड़ी सी मोटी सी, ये conducting tissues को carry करती है, ये veins होती हैं, इसको midrib कहते हैं actually, और midrib ब्रांचेस निकलते हैं जो आप पतले पतले यहाँ पे थ्रेड्स देख रहे होंगे लाइट येलो में, ये सब दे आर द वेन्स, और वेन्स में भी अगर ब्रांचेस हैं तो वेन लेट्स बोलते हैं, ठीक है, तो वेन्स मिड्रिप सब मिला करके लीफ ब्लेड बनता है। लीफ ब्लेड इज द फोटोसिंथेटिक पार्ट ऑफ द प्लांट हैविंग क्लोरोफिल हैविंग क्लोरोप्लास्ट एंड दे आर कैपेबल टू परफॉर्म ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, एंड this is called leaf base. What is leaf base? The point at which lamina is attached to petiole. ठीक है? The point at which lamina is attached to petiole. This is called a leaf base. They are the basic part, basic components of leaf. Understood? किसी को कोई doubt है? और ये आप देख रहे होंगे एक topic और stipule. What is stipule? This is a membranous outgrowth. ठीक है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इट इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर विच इज मच रिड्यूस्ड इन देयर साइज एंड फंक्शन एंड प्रेजेंट स्पेशली एट द बेस एट द जॉइंट ऑफ पेटियोल कम टू बी नोन एज स्टिप्यूल एंड द प्लांट इज हैविंग स्टिप्यूल इज कॉल्ड स्टिपुलेटेड, ठीक है, एंड विदाउट स्टिप्यूल इज कॉल्ड एक्स स्टिपुलेटेड, ठीक है, एंड वॉट डज इट मीन एक्सिलरी बर्ड, एक्सिलरी बर्ड एक्साइल इज द एंगल, जो एंगल बनता है स्टेम और पेटियोल के बीच में, जैसे ये स्टेम है और ये पेटियोल है तो दोनों के बीच में क्या एक एंगल है, एक कॉर्नर आता है यहाँ पे ये, और इस कॉर्नर में मैं इसको डिफरेंट कलर से दिखाऊं ग्रीन से, तो यहाँ पर एक ग्रोइंग पॉइंट डेवलप करेगा और दिस ग्रोइंग पॉइंट इज कॉल्ड एक्सिलरी बड बिकॉज दिस गिव राइज टू फ्लावर, बड कली होता है और इसी के डेवलपमेंट के बाद आपको क्या मिलेगा फ्लावर मिलेगा, ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट अ मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ लीफ। नाउ आप इसका थियरी सेक्शन देखें, जितना मैंने बताया उतना ही यहां लिखा हुआ है, ठीक है, यू विल हैव टू स्टडी इन अ पॉइंट वाइज मैनर, स्पेशली यू विल हैव टू मेमोराइज द फिगर द पॉइंट्स द कॉम्पोनेंट विद एग्जाम्पल, नो मच थियरी पार्ट इज नीडेड टू राइट एनी मैकेनिज्म एनीथिंग एल्स, ठीक है, बहुत कम काम करना है आपको, टू द पॉइंट प्रिपेयर करिए बस। तो मीनिंग ऑफ लीफ में वही चीज है, वेजिटेटिव पार्ट होता है प्लांट का, एरियल पार्ट ब्रांचेस और स्टेम पे डेवलप करेगा, ये लीफ की ओरिजिन एक्सोजीनस होती है, इट मीन्स आउट ग्रोथ के तौर पे, ठीक है, आउट ग्रोथ के तौर पे ये पाया जाता है, इट फॉर्म्स फ्रॉम द ग्रोइंग पॉइंट ऑफ द स्टेम एंड द ग्रोइंग पॉइंट ऑफ स्टेम which give rise to leaf, this is called leaf primordia. ये term आप याद रखें, जो मैंने आपको anatomy में theories पढ़ाई apical meristem की, वहां पर भी ये term use हुआ है, ठीक है, and the mature green leaf which perform photosynthesis is come to be known as foliage leaf, and the leaf which is reduced non-green in color
non-photosynthetic in nature is called reduced leaf or scaly leaf. ठीक है, तो जो leaf plant में green वाली होती है उसको foliage leaves कहते हैं. ठीक है, and what are the functions of leaf? The main function of leaf is to perform photosynthesis. लेक्चर ऑलरेडी आपने पूरा लेसन ही पढ़ा हुआ है फोटोसिंथेसिस का, सब कुछ आपको क्लियर है. आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक फोटोसिंथेसिस. ठीक है, एंड इट इज ग्रीन इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस? एनीवन नोज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फोटोस क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस? What chlorophyll performs during photosynthesis? मैंने आपको कितनी बार ये चीजें उस लेसन में भी पढ़ाई थी, थियरी आपके पास भी होगी. मैंने हाँ ग्रेना स्ट्रोमा, ये तो लोकेशन हो गया ग्रेना, क्लोरोप्लास्ट के कॉम्पोनेंट. वॉट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल ये पूछ रही हूं, बिकॉज फंक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन साइट. क्वेश्चन फंक्शन से पूछता है क्लोरोफिल के. क्लोरोफिल हैज एबिलिटी टू ट्रैप, टू कैप्चर, टू एब्सॉर्ब सनलाइट. यस, दिस इज द एक्चुअल वन. एंड क्लोरोफिल इज केपेबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बाय एब्सॉर्बिंग सनलाइट. एंड सनलाइट इज द एसेंशियल फैक्टर फॉर photosynthesis, because during the entire process of photosynthesis the radiant energy is converted into chemical energy where their CO2 is reduced into carbohydrates. So ye point hai. And next function of leaf is to carry on respiration. Theek hai, respiration jo hai yes cycles ki help se, yes डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन मिला करके होता है, ये सब तो फोटोसिंथेसिस के पार्ट्स हैं. तो लीफ का जो अगला फंक्शन है अदर देन फोटोसिंथेसिस वो रेस्पिरेशन है. रेस्पिरेशन इज अ एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, आपको ये भी मैंने पढ़ा दिया है पूरा. एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, कैटाबॉलिक रिएक्शन है. और उसके बाद लीफ का जो थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है दैट इज ट्रांसपिरेशन. एंड ट्रांसपिरेशन इज वॉट? द लॉस ऑफ वॉटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर इन द from the aerial components, from the aerial part of the plant is called transpiration. It is mostly done with the help of stomata. Stomata are the tiny pore-like structure which is present on over the surface of leaf and perform exchange of gases. Yes, transpiration is a excretory process also because it removes all the metabolic toxic waste from the plant. And पार्ट्स ऑफ लीफ मैंने वो आपको अभी बताया, ये वाला जो फिगर आपको मैंने दिखाया था ये पार्ट्स ऑफ लीफ को एक्सप्लेन कर रहा है. तो बेसिकली पॉइंट्स आप यहां से देख लें कि टिपिकल आइडियल लीफ में यूजुअली तीन पार्ट होते हैं. द फर्स्ट वन इज लीफ बेस. लीफ बेस फ्रॉम द लीफ रिमेन अटैच टू स्टेम. द पॉइंट एट विच लीफ इज अटैच टू स्टेम इज कॉल्ड लीफ बेस. एंड नेक्स्ट वन इज पेटियोल. दिस इज लीफ स्टाक. इट इज अ सिलिंड्रिकल एक्सिस which connect base with the lamina. And last one is leaf blade or leaf lamina. This is the main green photosynthetic area, the expanded part of a leaf, foliage leaf ka expanded part hota hai. It goes without saying that blade is the most important part because it perform photosynthesis due to the presence of chlorophyll. Okay? They are the important components. And one more thing is there. ब्लेड जो होता है लीफ लैमिना, इट इज हैविंग अ मिडरिब. मिडरिब इज वॉट? द कॉलम ऑफ वस्कुलर बंडल हैविंग जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम कंडक्ट वॉटर एंड मिनरल एंड फ्लोएम कंडक्ट सल्यूट्स. ठीक है, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज. और मिडरिब की जो ब्रांचेस निकलती हैं उनको वेन्स कहते हैं. वेन्स की सब ब्रांचेस को क्या कहा जाता है? वेन लेट्स कहा जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लीफ. अब यहां से हम टॉपिक स्टार्ट करें. ये सारी चीजें आपको एनसीईआरटी में मिलेंगी. तो बेसिकली लीफ कितने टाइप की होती है? तो लीव्स आर ऑफ बेसिकली टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज सिंपल एंड सेकेंड वन इज कंपाउंड. ठीक है, अभी तक की क्लास में किसी को कोई प्रॉब्लम कुछ पूछना है? नहीं तो फिर मैं स्टार्ट करूं सिंपल और कंपाउंड लीफ. एनी डाउट, एनी क्वेरी?
Okay, dear. Thank you. So, क्या होती है सिंपल और कंपाउंड लीफ? मैं आपको दिखाऊं, जैसे मेरे पास भी लीफ है यहां पे, ठीक है? मैं सबसे पहले एक सिंपल लीफ की बात करूं, ठीक है? हाँ, यस, पेंडुलम देखा मैंने. एक्चुअली ये कोई एक टर्म शो कर रहा है. प्लांट में फ्लावर भी पेंडुलम हो सकता है और इन्फ्लोरेसेंस भी पेंडुलम होता है, ठीक है? पेंडुलम इज एक्चुअली व्हाट, हैंगिंग डाउन या ड्रूपिंग कंडीशन. जैसा पेंडुलम होता है फिजिक्स में ना, ये उसी के लिए टर्म यूज हो रहा है. मैंने एडिशनली साइंस से रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं फाइंड आउट किया. तो ड्रूपिंग या हैंगिंग वाला जो पॉइंट होता है उसके लिए हो रहा है. रूट्स में आप कह रहे हैं, तो ये फिर मैं एक बार और चेक करूंगी, बिकॉज मैंने बहुत सारा इसको इसके ऊपर सर्च किया. तो ठीक है, तो इसमें यही मुझे मिला कि जो फ्लावर, जैसे कैट की इन्फ्लोरेसेंस है, वो एक हैंगिंग होता है, तो वो एक पेंडुलस इन्फ्लोरेसेंस में चला जाएगा. फ्लावर भी कुछ ड्रूपिंग टाइप होते हैं, बट रूट में अगर बताना है तो जस्ट वेट फॉर दिस लेक्चर ऑल्सो, मैं पक्का आपको बताऊंगी, क्योंकि मैंने बहुत खोजा इसको, लेकिन मुझे जो आंसर मिला वही मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है? तो ये मैं आपको बताऊं, सबसे पहले सिंपल लीफ से स्टार्ट करें. तो आप ये जो देख रहे हैं ना, ये सिंपल लीफ. सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ क्या होता है? देखो, आप इस इमेज को देखें, लीफ सिंपल है कि लीफ कंपाउंड है. इसके पीछे एक ही फंडामेंटल होता है. जैसे आप पेटियोल और मिड्रिप ड्रॉ कर लें और उसके बाद आप लीफ लैमिना बनाएं, जैसे ये मैंने बनाया, ठीक है? ये लीफ कैसी है? तो बच्चे बोलते हैं जनरली सिंपल है, सिंपल सी है भी. लेकिन मैं एक फिगर यहां और बनाऊं, ये वाली. अब बताइए, ये सिंपल है कि कंपाउंड है? तो अच्छा, मैं कॉन्सेप्ट आपको बता दूं, उसके बाद मुझे बताइएगा. तो सिंपल लीफ क्या होती है? जो ये कॉर्नर पे मैंने बनाया है, दिस इज द लीफ, सॉरी, ये दिस इज द लीफ मार्जिन, ठीक है? तो जब लीफ की मार्जिन, ये मार्जिन है, और ये बीच में जो है, दिस इज व्हाट, मिड रिब प्रिंसिपल वेन, ठीक है? मिड रिब को प्रिंसिपल वेन भी कहा जाता है. तो आप ये पॉइंट ध्यान दें कि जब लीफ मार्जिन लीफ की मिडरिप टच नहीं करती, व्हेन मार्जिन ऑफ लीफ डज नॉट टचेस प्रिंसिपल वेन, नॉट टचेस मिडरिप, देन अ लीफ इज सेट टू बी सिंपल, ठीक है? सो ये हो गया आपका सिंपल लीफ, ठीक है? यानी कि क्या फंडामेंटल पॉइंट क्या है इसका? जब लीफ मार्जिन में और लीफ के मिडरिब में कोई कनेक्शन ना हो, तो वो आपका क्या होता है, वो सिंपल लीफ का बेस होता है, ठीक है? आप इसको देख लें, उसके बाद क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आप. और उसके बाद जो नीचे वाला फिगर है, वहां पे आप देख सकते हैं, जैसे यहां पे तो मार्जिन जो मैंने बनाई है वो स्मूथ मार्जिन है फर्स्ट फिगर में, लेकिन सेकेंड वाले में जो मार्जिन मैंने बनाई, दैट इज नॉट स्मूथ, ये डेंटेट मार्जिन है, ठीक है? दिस टाइप ऑफ मार्जिन इज कॉल्ड डेंटेट, जहां पे आप इंसीजंस देख रहे हैं, कट्स देख रहे हैं आप. बट कॉन्सेप्ट यहां भी फॉलो हो रहा है कि लीफ मार्जिन जो है, इट डज नॉट टचेस द लीफ मिडरिप. यहां पर भी मार्जिन मिडरिप को टच नहीं कर रही है. तो जब मार्जिन और मिडरिप में कोई कनेक्शन ना हो, एक दूसरे को ये टच ना करें, इनसीजन हो तो रहा है लेकिन ये इनसीजन मिडरिप को टच नहीं कर रहा है, ऐसी लीफ आपकी सिंपल लीफ होती है. तो सिंपल लीफ जो है वो आप नॉर्मली कहां कहां देख सकते हैं, सी द एग्जांपल्स. यू कैन सी सिंपल लीफ इन क्राइसेंथेमम, ठीक है? कंपोजिटी फैमिली का मेंबर है, आर्जीमोन मैक्सिकेना फ्रॉम पापा वरेसी फैमिली, डाइकॉट्स हैं ये सब. मैरीगोल्ड फ्रॉम कंपोजिटी फैमिली, कंपोजिटी फैमिली का एक और नाम है एस्टरेसी फैमिली. दिस इज द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ डाइकॉट, ठीक है? विद अ हेड एंड कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस, मैं आपको पढ़ाऊंगी उसके बारे में भी. एंड नेक्स्ट वन इज आइपोमिया. तो ये लीव्स जो होती है सिंपल होती है. सिंपल लीव्स का एक ही फंडा, वेन मार्जिन नॉट टचेज द मिडरिप, अ लीफ इज सेट टू बी सिंपल, ठीक है? एंड अदर एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो देयर. बिटर गर्ड, दिस इज करेला,
मॉर्निंग ग्लोरी, लेडीज फिंगर, ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं वो क्या हैं, ये सिंपल लीव्स हैं। एंड नेक्स्ट है आपका कंपाउंड लीव्स। व्हाट डज इट मीन कंपाउंड लीव्स? कंपाउंड लीव, जैसे ही मेरे पास ये मेरी वो है मार्गोसा, दिस इज एज अ डायरेक्टा इंडिका नीम, तो क्या होता है इसमें आप जैसे देख सकते हैं कि बीच में ना ये पूरी लाइन आपको दिख रही है ये, ठीक है, तो पेटियोल तो ये होगा केवल इतना, लेकिन जहां से लीफ स्टार्ट हो रही है ये वाला पोर्शन, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इसको रैकिस बोलते हैं, ठीक है, तो ये जो है ना, दिस इज व्हाट रैकिस, ये रैकिस जो है, पेटियोल और रैकिस में कोई खास डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, कंपाउंड लीव्स में रैकिस टर्म यूज होता है, स्पेशली इन केस ऑफ पिनेटली कंपाउंड, ठीक है। तो पिनेटली कंपाउंड का क्या कॉन्सेप्ट है कि जैसे ये आपकी लीफ है, मतलब लीफ है और इसमें ऐसे इंसीजन हो गया है, मार्जिन मिडरिप को टच कर रही है, टच करने के बाद क्या होता है, जब मार्जिन टच करती है मिडरिप को, लीफ का नेचर कंपाउंड हो जाता है, और कंपाउंड लीव्स में क्या होता है कि आपको छोटे छोटे लीफलेट्स दिखाई देंगे, यानी कि अगर आपसे मैं कहूं कि इस पूरे लीफ में नंबर ऑफ लीफलेट्स कितने हैं, तो आप इसको काउंट करके बता सकते हैं, मतलब ये जो छोटा वाला पार्ट है ना, दैट इज कॉल्ड लीफलेट, बट फुल लीफ किसको कहेंगे आप, जब इस पूरे को एक साथ आप कंसीडर करेंगे, ठीक है, तो ये ओवरऑल जो है ये एक वन लीफ है, ठीक, लेकिन वन लीफ है सो मेनी लीफलेट्स, ठीक है, तो ऐसी लीव्स जिसमें आपको पिन्ना दिखाई दे, पिन्ना लीफलेट्स को ही बोलते हैं, तो लीफ कंपाउंड पिनेटली कंपाउंड होगी। एंड पिनेटली कंपाउंड लीफ टू टाइप्स की होती हैं, नीचे आप एक इमेज देखें, एक लिखा होगा पेरिपिनेट और एक लिखा होगा इम्पेरिपिनेट, ठीक है, ये ऑड और इवन होता है, पेरिपिनेट जो है इवन है, ठीक है, यहां पे लीफलेट्स इवन नंबर में होंगी और इम्पेरिपिनेट में लीफलेट्स ऑड नंबर में होती हैं, जैसे ये नीम है, अगर आप नीम देखें तो ये इम्पेरिपिनेट है, क्योंकि आप देखें जैसे पेयर होगा ना, ये काफी झूल गई है, तो ये पेयर होगा, ये पेयर है, लास्ट में एक इसके टिप पर भी आपको लीफ दिखाई देगी, तो इम्पेरिपिनेट में नीचे पेयर्ड है, लेकिन एक जो यहां लग गई ना, इसकी वजह से ऑड नंबर आ गया, तो ऑड वाला अरेंजमेंट है, तो इम्पेरिपिनेट, जैसे नीम में करी लीव्स में आपको हमेशा इम्पेरिपिनेट मिलेगा, बट इन केस ऑफ टेमरिंड इमली, ठीक है, वहां पे अगर आप लीव को देखें तो आपको पेरिपिनेट मिलेगा, पेरिपिनेट में आप यहां देख सकते हैं यहां पे कुछ नहीं है, खाली है, ठीक है, तो पेयर्ड लीफलेट्स होती हैं, ठीक है। देन उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ पिनेटली कंपाउंड, कितने टाइप की पिनेटली कंपाउंड लीफ होती है, तो ये डिपेंड करता है कि रैकिस पे ब्रांचेस हैं कि नहीं है, ठीक है, जैसे ये आप देख सकते हैं, ये तो ये यूनिपिनेट है, जैसे ये वाले नीम में जो कंडीशन होते हैं वो यूनि का मतलब वन होता है, बाईपिनेट का मतलब दो, ट्राईपिनेट का मतलब तीन, ठीक है, तो यूनिपिनेट, बाईपिनेट, ट्राईपिनेट, टेट्रापिनेट, ठीक है, इतना आपको हाई नहीं करना इतना लेवल, बट जनरली मैं आपको बता दूं कि जब एक पॉइंट से एक रैकिस निकलती है और उस रैकिस पर पिन्ना लगी हुई है, तो ये पूरी की पूरी लीफ आपकी यूनिपिनेटली कंपाउंड है। लेकिन अब इसके बाद बाई वाला कॉन्सेप्ट अगर आप देखें, तो ये देखो ये जो बीच में है, दिस इज रैकिस, रैकिस इज ब्रांच्ड, ठीक है, रैकिस में क्या हो गया, ब्रांचिंग हो गई, और कितने ब्रांचेस निकल रहे हर पॉइंट से, तो आप आंसर क्या देंगे, टू, क्योंकि दो आपको दिख रहा है, ठीक है, एक इसके लेफ्ट निकला, फिर एक इसके राइट निकला, फिर इसके लेफ्ट, फिर इसके राइट, ठीक है, टोटल मत गिन डालिएगा, नहीं तो ये पॉलीपिनेट कहने लगेंगे आप, आपको ये देखना है कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन से ब्रांचेस कितनी निकल रही हैं, तो ठीक है, दो 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 करके निकल गई, रैकिस डिवाइड्स इनटू रैकिला और उस पे लीफलेट्स लगी होती हैं, तो जब रैकिस बाइफर्केट करती है, दो भाग में बट जाती है, तो बाइपिनेट बनेगा। आपने वो देखा है बेल पत्र जो शंकर जी को भी चढ़ाते हैं, ठीक है, वो ट्राईपिनेट होता है, ठीक है, ट्राईपिनेट का मतलब तीन ब्रांचेस निकलती हैं, ये देखो एक, ठीक है, उसके बाद यहां से भी एक छोटी छोटी है, बहुत छोटी है, ऐसा नहीं कि हमेशा बड़ी ब्रांच निकलेगी,
बट ये हो गया ट्राइपिनेट, इसमें एक पेंटा का वाला भी आता है, मतलब तीन पत्तियों वाला कॉमन होता है वो स्पीशीज अलग है और फाइव वाला एक अलग है, तो पेंटापिनेट भी आप देख सकते हैं कुछ केसेस में, ठीक है। तो ये होता है पिनेटली कंपाउंड के टाइप्स, ठीक, बस इतना, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। फिर आता है पाल्मेटली कंपाउंड, पाम मतलब आप जानते हैं ना, पाम ऐसे पंजा हाथ का। लीफ में क्या होगा, सबसे पहले आप ये देखें, जैसे दिस इज पाल्मेटली कंपाउंड लीफ, तो पाल्मेटली कंपाउंड में क्या होगा, अगेन ये रैकिस है और उसके बाद क्या हो गया, इंसीजन ऐसा हुआ कॉर्नर का कि सब के सब जा करके एक ही पॉइंट पर मिल गए, मतलब यहां पे पॉइंट ऑफ इंसीजन सबका कॉमन होता है, जिसकी वजह से जो लीफलेट्स होती हैं वो एक पॉइंट पे आकर के मिल जाती हैं, ठीक है, कन्वर्ज कर जाती हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से पाम लाइक अपीयरेंस आता है लीफ में, एंड दिस इज कॉल्ड, दिस टाइप ऑफ लीफ इज कॉल्ड पाल्मेटली कंपाउंड, ठीक है। तो अब आप यहां से सीधे देखें तो उन्ही पार्ट को, मतलब जितना मैंने अभी एक्सप्लेन किया सब कुछ यहां रिटन मैटर में आपको मिल जाएगा, रैकिस वगैरह जो एक्सिस पे लीफलेट्स लगे, दिस इज रैकिस, रैकिस डिवाइड्स इनटू रैकिला, आर ए सी एच आई डबल एल ए, ठीक है, रैकिला। और अगर पेयर आपका इवन में है तो पेरिपिनेट है, जैसे टैमरिंड मैंने बताया इमली में, वन मोर एग्जाम्पल इज देयर कैसिया टोरा, ठीक है। एंड अगर टर्मिनल लीफलेट प्रेजेंट है, एपेक्स पर भी पाई जा रही है, तो ऑड नंबर आ जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड इम्पेरिपिनेट, फॉर एग्जाम्पल इन रोज, रोजा इंडिका, क्लिटोरिया, ठीक है। यहां पर लीफलेट्स वाली लीफ को कंपाउंड लीव्स कहते हैं, क्योंकि मार्जिन मिडरिप को टच करती है, ठीक है, बस इतना ही आपको ध्यान देना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, एक पॉइंट और नोट कर ले, डीकंपाउंड लीफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो कैरेट, जो गाजर होता है डॉकस कैरोटा, जहां पे आपने कोनिकल रूट भी पढ़ा था, टैप रूट का मॉडिफिकेशन, वहां पे जो लीव्स होती हैं ये पिन्नेटली कंपाउंड होती हैं, और तीन बार से ज्यादा पिन्ना, मतलब ट्राई पिन्नेट के ऊपर की कंडीशन होती है, लीव की साइज रिड्यूस हो जाती है इसमें बहुत ज्यादा, ठीक है। सच लीव्स आर कॉल्ड डी कंपाउंड लीव्स। तो क्वेश्चन ये आएगा, डी कंपाउंड लीव का एग्जाम्पल आंसर याद कर लीजिए, डॉकस कैरोटा, दिस इज कैरेट, ठीक है। एक बार लेक्चर में जो नोट मेंशन होती है उसको एक बार पूरा पढ़ लिया करिए, फिर यहां से आपको क्या करना है, इसमें भी क्या करते हैं आप एक्सट्रैक्ट ही करते हैं, क्योंकि आपको थियरी बहुत नहीं याद करनी है। एंड नेक्स्ट वन इज पाल्मेटली कंपाउंड, द लीफलेट्स आर जॉइंट टू अ कॉमन पॉइंट ऑन द एक्सिस, एक्सिस या रेकिस पर एक कॉमन पॉइंट पर ये जुड़े हुए होते हैं, और इनका जो नंबर है ये लीफलेट के नंबर के अकॉर्डिंग इसके टाइप, जैसे अगर सिर्फ एक लीफलेट है तो यूनिफोलिएट, जैसे लेमन में दो लीफलेट्स के साथ हैं तो बाईफोलिएट, फॉर एग्जांपल बैलेनाइट्स, तीन लीफलेट्स के साथ हैं तो ट्राईफोलिएट, फॉर एग्जांपल ऑक्सेलिस, एंड वन मोर एग्जांपल इज देयर वुड एप्पल। व्हाट इज वुड एप्पल, एक बेल देखा है, बड़ा सा एक गोल वाला फल होता है, बहुत सॉलिड होता है, ये वुड एप्पल उसी को कहते हैं। और इसका बॉटनिकल नेम मैं आपको बताऊं, दिस इज एगल मार्मिलॉस, ठीक है, ये एगल मार्मिलॉस है वुड एप्पल, गर्मियों के सीजन में आपको मिलता होगा ये। तो अच्छा, ये वही बेल है जिसकी बेल पत्र की बात मैं कर रही थी, ठीक है, तो वुड एप्पल उसी का एग्जाम्पल, एगल मार्मिलॉस। देन क्वाड्रीफोलिएट, क्वाड्रीफोलिएट टेरिडोफाइट्स में आप देखेंगे, दैट इज इन मार्सिलिया, हैविंग फोर लीफलेट्स एंड विथ फाइव और मोर, द लीफ इज कॉल्ड डिजिटेटेड लीफ, ठीक है, यस। तो सिल्क कॉटन जो है वहां पे आप ये देख सकते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ लीफ आपकी खत्म हो गई, सिंपल खत्म, कंपाउंड खत्म, टाइप्स ऑफ कंपाउंड पिन्नेट एंड पामेट, ये भी आपने फिनिश कर लिया। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पिन्नेटली कंपाउंड लीफ एंड अ शॉर्ट ब्रांच, ये टॉपिक, दिस इज फ्रॉम आउटसाइड फ्रॉम एनसीईआरटी एक्चुअली, बट एक बार आप इसको देखेंगे। जैसे ऐसा होता है कि जो पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स है ना, जिसमें बहुत सारी लीफलेट्स होती हैं, बट ये देखने में काफी हद तक एक सिंपल लीफ की ब्रांच जैसी लगती है। जैसे बहुत सारे बच्चे इसीलिए कंफ्यूज होते हैं कि होती एक्चुअली में लीफ पिन्नेटली कंपाउंड है,
लगता है कि सिंपल लीव्स का ग्रुप है, ठीक है, तो क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में? तो एक्चुअली जो कंपाउंड लीव्स होती हैं उसमें कोई टर्मिनल बड नहीं होता. कंपाउंड लीव्स जो हैं इट ऑलवेज डेवलप फ्रॉम द नोड ऑफ स्टेम, ठीक है. अ स्टिप्यूल इज ऑलवेज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ कंपाउंड लीव नॉर्मली, ठीक है. जबकि इंडिविजुअल लीव्स में अगर कोई सिंपल लीफ होगी तो हर लीफ के नीचे अलग अलग स्टिप्यूल होगा. कंपाउंड लीफ में स्टिप्यूल ओवरऑल में एक ही होता है, ठीक है. लेकिन 10 सिंपल कंपाउंड लीफ है और स्टिपुलेटेड होंगी तो 10 का स्टिप्यूल अलग अलग होगा, ठीक है. एंड वन मोर थिंग, बर्ड्स आर नेवर प्रेजेंट एट द एग्जाइल ऑफ लीफलेट. बर्ड्स जो होंगे, जो फ्लावर जिससे बनेगा, वो कभी भी लीफलेट्स के एंगल पे नहीं डेवलप करेंगे, लेकिन जो शॉर्ट ब्रांच होती है जिसपे सिंपल लीव्स का ग्रुप लगा होता है वहां पे आप हमेशा देखेंगे. इट्स नॉट वेरी टफ, आप एक बार फिर से देख लें कि अगर कोई पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है या सिंपल लीव्स का एक छोटा ब्रांच है तो देख करके एक ही जैसा लगता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं एक्चुअली में कि क्या ये दोनों पिन्नेटली कंपाउंड है या फिर ये दोनों सिंपल लीव्स का ग्रुप है, ठीक है. इनमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए इन पॉइंट्स को लिखा गया है. आप जब भी किसी कंपाउंड लीफ को देखें तो आपको एक ही पॉइंट तैयार करिए, दूसरा आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है. कंपाउंड लीफ में कोई टर्मिनल बड नहीं होता, कंपाउंड लीफ हमेशा डायरेक्ट स्टेम नोड से, ब्रांचेस के नोड से निकलती है. अगर कंपाउंड लीफ में स्टिप्यूल होगा तो आप अगर स्टिप्यूल देखेंगे तो हमेशा इस पॉइंट पे सबसे नीचे लगा होगा, एक होगा वो भी, ठीक है. और जो बर्ड्स होते हैं जिनसे फ्लावर बनते, बर्ड्स मींस कलियां, तो ये कभी भी लीफलेट के एग्जाइल पे नहीं बनती, ठीक है. ये जब भी बनेंगी, जैसे ये लगा हुआ है, ये तो एक पूरी लीफ हो गई आपकी, इसका जो मेन स्टेम होगा उस मेन स्टेम और इसके एंगल पे निकलेगा, मतलब यहां 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 आपको बर्ड्स दिखाई नहीं देंगे, ठीक है. बस इतना ही सा है और कुछ है नहीं खास इसमें. आप इसको पढ़ के देखें, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिलोटेक्सी. इसको आप अच्छे से याद कर लें, बहुत सिंपल है, एग्जाम्पल ही याद करना है, ठीक है. तो फिलोटेक्सी क्या होती है? द अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम इज कॉल्ड फिलोटेक्सी, ठीक है. फिल्लो मीन्स होता है लीफ एंड टेक्सिस मीन्स अरेंजमेंट. तो स्टेम पर लीफ कैसे लगी है, द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम इज कॉल्ड वॉट? फिलोटेक्सी, ठीक है. पॉइंट क्लियर है, फिलोटेक्सी की डेफिनेशन आती है क्योंकि, और बहुत सिंपल है, दिस इज द प्रिंसिपल अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम, दिस इज कॉल्ड फिलोटेक्सी. बेसिकली देर आर थ्री टाइप्स ऑफ फिलोटेक्सी, अल्टरनेट, अपोजिट एंड वर्ल्ड, ठीक है. तीन आपको मेनली पढ़ना होगा. फर्स्ट वन जो है वो अल्टरनेट है, उसके बाद ऑपोजिट आता है और उसके बाद एक वर्ल आता है. वर्ल एक्चुअली में बाद में ऑपोजिट का एक मॉडिफिकेशन ही है, लेकिन हम इसको अलग से देखेंगे, ठीक है. थर्ड वन दिस इज वर्ल, ठीक है. तो इसको वर्टिसिलेट भी कहते हैं, पहले तो नाम ही याद कर लीजिए. अब इसके बाद इमेज पे आ जाइए. अल्टरनेट फिलोटेक्सी क्या होता है? जब एक नोड से एक लीफ निकलती है, ये आपका स्टेम हो गया. व्हाट इज नोड? नोड क्या होता है? नोड जानते हैं, नोड, नोड को कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज नोड? द पॉइंट ऑन स्टेम फ्रॉम वेयर लीफ अराइजेस. समझ रहे मेरी बात? तने पर, स्टेम पर, वो पॉइंट जहां से लीव्स निकलती हैं, द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम इज कॉल्ड नोड. यस, तो नोड हो गया. और जब सिंगल नोड से सिंगल लीफ निकले, ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं दिस इज वन नोड, यहां से एक लीफ निकली, दिस इज सेकेंड नोड, नेक्स्ट थर्ड नोड, नेक्स्ट, ठीक है. तो वन बाई वन ऐसे. तो जब भी आप इसमें अरेंजमेंट देखेंगे तो आप खुद ही देख रहे हैं कि इसमें फिगर जो है वो आपका, मतलब ऐसे, ठीक है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे. तो दिस इज कॉल्ड अल्टरनेट फिलोटेक्सी. नेक्स्ट वन इज ऑपोजिट. हाउ विल यू डिफाइन ऑपोजिट? ऑन द बेसिस ऑफ दिस फिगर, व्हेन टू लीव्स आर अरेंज फ्रॉम वन नोड. जब एक नोड से दो लीफ निकले, या ये कह सकते हैं ना वन पेयर लीफ, व्हेन वन पेयर लीफ विल अराइजेस फ्रॉम वन नोड,
the arrangement, the phyllotaxy is called what? Opposite. Okay? There are basically two types of opposite phyllotaxy. किसी को नाम पता है कौन कौन से दो opposite phyllotaxies होती हैं? क्योंकि इसमें आपको ये पढ़ना है, मैं बताऊंगी आपको, तो मैसेज कॉलम में नाम दे रही हूं, इसको याद कर लें. एक तो होती है ऑपोजिट सुपरपोज्ड, ठीक है, ऑपोजिट सुपरपोज्ड, एंड सेकंड वन इज ऑपोजिट डिकसेट. ठीक है, तो दो टाइप के ऑपोजिट होते हैं, ऑपोजिट सुपरपोज्ड एंड ऑपोजिट डिकसेट. ठीक है, तो अब ये क्या होता है, जैसे ये वाला जो फिगर आप देख रहे हैं जो यहां पे लिया हुआ है, ये अपोजिट सुपरपोज्ड का एग्जांपल है. अपोजिट सुपरपोज्ड का मतलब एक नोड से ऐसे दो लीफ्स निकल गई, अगला वाला पेयर उसको दबाते हुए उसी प्लेन पर आगे निकलेगा. यानी अगली वाली लीफ आप देख रहे हैं ये सुपरपोज कर रही है ना नीचे वाले को, इसके बाद अगर निकलना होगा लीफ तो भी ऐसे ही निकलेगी ये. ठीक है, फिर इसके आगे निकालना है तो फिर ऐसे दो निकाल दीजिए. मेरी बात समझ में आ रही है आपको? दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड ऑपोजिट सुपरपोज्ड फिलोटेक्सी. एंड व्हाट इज ऑपोजिट डिकसेट? ऑपोजिट डिकसेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. हैव यू एवर सीन द प्लांट ऑफ कैलोट्रोपिस प्रोसेरा? हिंदी में मदार कहते हैं, वर्नाकुलरली इसको मिल्क वीड कहते हैं. एक कॉमन जंगली प्लांट होगा, देखा होगा इसको आपने, इस पे लीफ की अरेंजमेंट 90 डिग्री पर होती है. यस, मदार इसका बेस्ट एग्जांपल है, कैलेट्रोपिस प्रोसेरा. कि जैसे ये स्टेम है, ठीक, आप इधर देखें जो ड्रॉ हो रहा है, यहां पे एक लीफ ऐसे निकल गई, ठीक, अगली वाली कैसे निकलेगी? एक आगे निकलेगी और एक उसके पीछे निकलेगी ऐसे, फिर इसके बाद कैसे निकलेगी? फिर आमने सामने ये, फिर एक आगे एक पीछे. तो जब लीफ का पेयर एक बार ऐसे निकलेगा फिर एक बार ऐसे निकलेगा, ठीक है, 90 डिग्री पर, नेक्स्ट कमिंग पेयर विल ओरिजिनेट अप टू 90 डिग्री ऑफ द प्रीवियस वन. दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड, दिस टाइप ऑफ फिलोटेक्सी इज कॉल्ड व्हाट? ऑपोजिट डिकसेट. ठीक है, तो इसका थियरी सेक्शन आप देखें, फिलोटेक्सीज में मेंशन किया हुआ है. तो अल्टरनेट के सीधे आप एग्जांपल याद करेंगे. यस, अल्टरनेट फिलोटेक्सी का एक और नाम है, दिस इज आल्सो कॉल्ड स्पाइरल फिलोटेक्सी. बिकॉज जो लीफ की अरेंजमेंट है, अगर आप मान लें कि अगर एक इमेजिनरी लाइन लीफ बेस से पास कर रही है ऐसे, ठीक है, तो लीफ जो लगी होंगी वो ऐसे अल्टरनेट में, तो इसीलिए अल्टरनेट फिलोटेक्सी को आप क्या कहते हैं, एक स्पाइरल फिलोटेक्सी भी कहते हैं. तो आप इसके लिए अगर देखें तो अकाइरेंथस है, अमरेंथस है, ठीक है, उसके बाद ये सारे जितने नॉर्मल, ज्यादातर अल्टरनेट फिलोटेक्सी ही होती है प्लांट में, ठीक है, उसके बाद हिबिस्कस वगैरह में भी ऐसा ही है. और उसके बाद देखें ये, हाँ, ऑपोजिट हो गया, ऑपोजिट सुपरपोज्ड में तो एग्जाम्पल गुआवा, ठीक है. अच्छा, गुआवा के साथ एक स्पेशलिटी है, एक्चुअली में अगर आप एक मेच्योर ट्री देखें, अमरूद का एक बड़ा पेड़ देखिए, छोटे पेड़ में नहीं दिखेगा, बड़े पेड़ में क्या होता है ना कि जब ज्यादा डेवलपमेंट हो जाती है ब्रांचेस की तब दिखता है. इसमें आपको ब्रांच पे कहीं कहीं ऑपोजिट सुपरपोज्ड दिखाई देगा और कहीं कहीं आपको ऑपोजिट डिकसेट दिखाई देगा, ठीक है. तो ये अरेंजमेंट गुआवा की है, गुआवा में ऑपोजिट सुपरपोज्ड भी होता है, ऑपोजिट डिकसेट भी होता है, ठीक है. और इसके बाद डिकसेट में एग्जैक्ट एग्जांपल्स और भी देखें तो ये, दिस इज कैलेट्रोपिस प्रोसेरा, मदार, मिल्कवेड, तुलसी, ऑसिमम सेंक्टम, एक्जोरा, वहां देख सकते हैं. सुपरपोज्ड के लिए रंगून क्रिपर्स, कुछ ऑर्नामेंटल क्लाइंबर्स हैं ये सब, जहां आप देख सकते हैं. और लास्ट वन जो फिलोटेक्सी है ये वर्ल फिलोटेक्सी है, जहां पे एक नोड पे दो से ज्यादा पत्तियां निकलती हैं, ठीक है. ये जैसे आप देख रहे हैं, दिस इज वर्ल, वर्टिसिलेट कहते हैं इसको, लीव्स लगी हुई है ऐसे फ्लावर की तरह.
इसमें मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल एल्स्टोनिया एंड वन मोर इज देयर नेरियम, ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल है इसके, ये आपका फिलोटेक्सी खत्म. देन मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ अब स्टार्ट करें, यानी लीफ का नॉर्मल फंक्शन तो पढ़ा, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, रेस्पिरेशन, बट लीफ अगर इन फंक्शन से हट के कुछ और करे, फूड स्टोर करे, सपोर्ट करे, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे, रिप्रोडक्शन करे, इंसेक्ट्स कैच करके किल करे, बैक पिचर्स बना ले, तो ये इसके मॉडिफाइड फंक्शंस हैं. ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत कायदे से याद करिएगा, क्योंकि इवोल्यूशन वाले लेसन में भी इसका एग्जाम्पल काम आएगा आपको, ठीक है, क्योंकि जब आप वहां पे कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन पढ़ेंगे ना, एडाप्टिव कन्वर्जेंस और इसके बारे में, तो रेडिएशंस तो वहां पे भी काम आएगा, होमोलॉगस एनालॉगस में भी, ठीक है. तो टेंड्रिल क्योंकि स्टेम में भी होगी, मैं संडे का जो लेक्चर है वो स्टेम मॉडिफिकेशंस के ऊपर ले रही हूं और उसमें भी टेंड्रिल्स आपको पढ़ाऊंगी. तो टेंड्रिल आपने देखा होगा नूडल लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे एक इमेज है भी, ये जो ड्रॉ किया हुआ, दिस इज टेंड्रिल, ठीक है. तो टेंड्रिल का फंक्शन आप खुद ही जानते हैं, ये क्लाइंबर्स को सपोर्ट करता है. यस, संडे की क्लास होगी और संडे को ये अभी प्रमोशन इसका लॉन्च नहीं हुआ है, इसकी प्रमोशन आपको सैटरडे तक मिलेगी. मोस्ट प्रोबेबली रजिस्ट्रेशन इसका सैटरडे को होगा, ठीक है. अब देखें पहले टॉपिक पर आइए. यस, सेम टाइम, टाइमिंग सेम है, 4 to 5. तो ये आप देख रहे हैं ना, जो ये करली करली स्ट्रक्चर यहां बना हुआ है, दिस करली नूडल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टेंड्रिल. टेंड्रिल व्हेन डेवलप फ्रॉम द लीफ प्राइमोर्डिया, द टेंड्रिल इज कॉल्ड लीफ टेंड्रिल. व्हेन टेंड्रिल डेवलप फ्रॉम स्टेम प्राइमोर्डिया, देन टेंड्रिल इज सेड टू बी स्टेम टेंड्रिल, ठीक है. तो देखने में ना स्टेम टेंड्रिल भी एक ही जैसा लगता है, लीफ और स्टेम टेंड्रिल्स को अगर आप आमने सामने रख देना तो बहुत फर्क नहीं होता, फंक्शन भी वही होता है लेकिन ओरिजिन अलग अलग होती है, ठीक है. तो आप ये देख लें. तो अब यहां पे देखें, ये बहुत सारे वेरिएशंस हैं उसके. क्या वेरिएशन आपको यहां पे दिख रहा है कि लीफ के बहुत सारे पार्ट होते हैं ना, एपेक्स होता है, मार्जिन होता है, पेटियोल होता है, लेमिना होता है. तो अब आपको ये देखना है कि टेंड्रिल मॉडिफाई किससे हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट. जब आपकी पूरी की पूरी लीफ मॉडिफाई कर जाए, व्हेन इंटायर लीफ इज मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल, एग्जांपल याद करें लथाइरस एफाका, दिस इज वाइल्ड पी. व्हेन ओनली अपर लीफलेट मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल, फॉर एग्जांपल पाइसम सटाइवम, स्वीट पी, अरे सॉरी, ये वो गार्डन पी प्लांट है जिसपे मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था. नेक्स्ट वन इज लथाइरस ओडोरेटस, एंड लथाइरस ओडोरेटस दिस इज कॉल्ड स्वीट पी, ठीक है. व्हेन टर्मिनल लीफलेट्स, जब टर्मिनल लीफलेट्स मॉडिफाई होती है टेंड्रिल में, ठीक है, तो एग्जांपल आपको मिलेगा नारावेलिया. व्हेन लीफ टिप मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल, ठीक है, फॉर एग्जांपल ग्लोरी लिली, दिस इज मॉर्निंग ग्लोरी, ग्लोरियोसा सुपरबा. एंड व्हेन पेटियोल मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल, फॉर एग्जांपल क्लिमेटिस, क्लिमेटिस बिलोंग्स टू फैमिली रेनन्कुलेसी. एंड व्हेन स्टिप्यूल मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल, ठीक है, स्माइलेक्स. आपने ये देखा कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द लीफ जो है उनका कौन कौन सा पार्ट कौन कौन से प्लांट में मॉडिफाई कर रहा है. आपको ये बहुत अच्छे से याद करना है बिकॉज मैच द कॉलम जो क्वेश्चन आते हैं यहां से वो इसमें कई बार पूछा है, सेम टू सेम क्वेश्चन 2 से 3 बार ये नीट में रिपीट कर चुका है. तो आप इसको अच्छे से मतलब पढ़ लीजिएगा, ये यहां भी काम आएगा, इवोल्यूशन में भी काम आएगा, ठीक है. इसके बाद आइए अगला मॉडिफिकेशन, स्वीट पी, दिस इज लथाइरस ओडोरेटस, बताया तो स्वीट पी जो है ये लथाइरस ओडोरेटस, अपर लीफलेट्स का मॉडिफिकेशन टेंड्रिल में होता है, लोअर लीफलेट्स का नहीं, ऊपर की लीफलेट से टेंड्रिल निकलती है यहां पे, ठीक है. स्वीट पी, अब तो मुझे भी यही मालूम है क्योंकि ये एक वाइल्ड प्लांट है, खाते नहीं है इसको, एडिबल नहीं होता है. और लथाइरस एफाका जो है, दिस इज वाइल्ड पी, ये एकदम फुली वाइल्ड है, वीड के तौर पे ग्रो करते हैं ये, ठीक है. मैं आपको बताऊंगी सर्च करके, हम लोगों ने भी क्योंकि इतना ही पढ़ा है. देन
स्पाइंस देखें, स्पाइंस आप समझ सकते हैं, स्पाइंस कांटे को बोला जाता है ना, तो स्पाइंस जो है इसमें क्या होता है, जो लीफ का लेमिना होता है ना, जो ग्रीन वाला पार्ट होता है लीफ का, ये वाला, ये एक थॉर मतलब एक नुकीले एक हुक लाइक स्ट्रक्चर में डेवलप करता है, जिसमें आप टच करें तो वो आपको चुभेगा, ये स्पाइन होता है। ठीक है, तो स्पाइन आप ओपुंशिया में देख सकते हैं, कैक्टस में, तो ये देखें इमेज भी है यहाँ पे, दिस इज ओपुंशिया कैक्टस। कैक्टस में जो कांटे होते हैं, ये सब जो निकला हुआ है, दे आर द मॉडिफाइड लीफ विच रिड्यूसेस रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन, बिकॉज कैक्टस एक सकुलेंट है, कैक्टस एक जीरोफिटिक प्लांट है जो कि कम पानी वाली जगह पे ग्रो करता है, तो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन को कम करने के लिए लीफ मॉडिफाई हो जाती है स्पाइंस में। स्पाइंस का एक और क्या फंक्शन है, ग्रेजिंग नहीं कर सकता कोई जानवर, ठीक है, इसको ग्रेज ही नहीं कर पाएगा, यस, तो प्रोटेक्शन भी कर रहा है। ठीक है, तो ये दो स्पेशल वर्क होते हैं, रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन को कम करना और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है, और जो ग्रीन पार्ट आप देख रहे हैं ना, दिस ग्रीन पार्ट, दिस इज द मॉडिफाइड स्टेम, वी विल डिस्कस फिलोक्लेड। ठीक है, ये फिलोक्लेड होता है, विच इज अ मॉडिफाइड स्टेम, और हम इसको स्टेम वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। जो फ्लैशी होता है वाटर को कंजर्व करता है और फोटोसिंथेसिस भी करता है, क्योंकि ग्रीन कलर का नेचर होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज देयर बारबेरिस एंड नेक्स्ट वन इज यूलेक्स। ठीक है, आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये सब के सब कांटे हैं, और कांटों का एक ही काम है, ये ग्रेजिंग को रोकते हैं, रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन को कम करते हैं। ठीक है, और साथ में एग्जाम्पल देखें आप, फॉर एग्जाम्पल आर्जिमोन मैक्सिकाना, डेट पाम, फोएनिक्स डेक्टाइली फेरा, अकेसिया, दिस इज बबूल। ठीक है, यहां पर भी स्पाइंस आप देख पाएंगे साइज में, जैसे ये जिजाइफस है, ये भी एक जीरोफिटिक प्लांट है। ठीक है, यहाँ पे स्पाइन स्टिप्यूल होता है, यहाँ पे स्टिप्यूल स्पाइन में कन्वर्ट हो जाता है। ये आप देखें युक्का, एक मोनोकॉट है, लीफ एपेक्स जो है उस पर स्पाइन है। आर्जिमोन मैक्सिकेना, पापावेरेसी फैमिली ऑफ डाइकॉट, यहाँ पे पत्तियों की मार्जिन पे आप देख रहे हैं, ये यहाँ स्पाइन्स जो है वो डेवलप कर गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है थॉर्न और स्पाइंस में क्या डिफरेंस है, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। थॉर्न्स आर द मॉडिफाइड स्टेम एंड स्पाइंस आर द मॉडिफाइड लीव्स। ठीक है, स्पाइंस जनरली लीफ मॉडिफिकेशन है, छोटा होता है साइज में। थॉर्न जो होता है वो थोड़ा साइज में बड़ा भी होता है और स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज स्केली लीफ। मैंने एक बार आपको बताया भी था, आप अनियन यूज करते होंगे, एलोवेरा आएगा, एलोवेरा स्टोरेज इसमें आएगा, आप क्या कहते हैं, एलोवेरा स्टोरेज लीव्स में आएगा, क्योंकि उसमें स्टोर होता है जो लिक्विड पल्प होता है वो स्टोरेज में। अच्छा, एलोवेरा की मार्जिन भी स्पाइनी होती है ना, तो आप लिख सकते हैं, बट एक्चुअली में लीफ का मॉडिफिकेशन एलोवेरा में जो होता है वो स्टोरेज लीफ के नाम से होता है। ठीक है, तो वी विल डिस्कस एलोवेरा इन केस ऑफ स्टोरेज लीव्स। ठीक है, एलोवेरा ये है, और यहां दोनों चीजें सेट हो रही हैं। एग्जाम्पल लीफ स्पाइंस में भी करेक्ट है, ये देखें ये स्पाइन ही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, और साथ में जो एलोवेरा का जेल होता है, जो पल्प होता है, उसमें फूड होता है और वाटर को ये बहुत ज्यादा स्टोर करके रखता है, तो ये आपका स्केली लीव्स में भी, मतलब उसमें भी आएगा स्टोरेज। स्टोरेज और स्केली यहां पर सेम मतलब है, क्योंकि ये फूड स्टोर करते हैं और इनको खाया जाता है। एलोवेरा इडिबल प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट तो है ही है। राजस्थान जो स्टेट है ना, वहां पे एलोवेरा को मतलब वेजिटेबल के तौर पे लोग ग्रो कराते हैं, इसकी स्वीट डिशेस बनती हैं, सब्जी बनती है, तो यूज किया जाता है इसको। तो इस स्केली लीव जनरली क्या होता है, पतली होती है, ड्राई होती है, इसमें पेटियोल नहीं होता है, और यूजुअली कलरलेस या ब्राउन होती है, बट सब केसेस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि एलोवेरा में ऐसा नहीं है। एलोवेरा में ग्रीन होती है, वेल डेवलप होती है, सॉफ्ट होती है। ठीक है, ब्रिंजल के लीव्स में स्पाइन क्यों होता है,
ब्रिंजल के लीफ का कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, ठीक है, वो स्टेम के अंदर मॉडिफिकेशन भी नहीं है, वो एक आउट ग्रोथ है। हर स्पाइन, हर थॉर्न मॉडिफिकेशन नहीं होता। पहली चीज, हर लगभग हर पेड़ में कांटे होते हैं, तो जो कांटा है हमेशा लीफ का या स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं होता। जनरली कांटा जो होता है, स्पाइन्स क्या होते हैं, हुक्स क्या होते हैं, ये आउट ग्रोथ होते हैं जो केवल और केवल रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए ही होते हैं। और फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन के साथ साथ इकोलॉजिकल एडाप्टेशन भी होती है, ताकि उनकी ग्रेजिंग कम हो, ताकि वो सर्वाइव कर सकें। ठीक है, सारे केसेस में ऐसे तो फिर तो रोज आ जाएगा, बहुत सारे प्लांट हैं, लेकिन सबके साथ सेट नहीं होगा, क्योंकि सबका केस एक जैसा नहीं है। ठीक है, जो मॉडिफाइड फंक्शंस हैं हम उसको बस यहीं पढ़ेंगे। अब देखें, ठीक है, तो अनियन, अनियन यूज किया है आपने, करते होंगे आप। बॉटनिकल नेम मालूम है किसी को, व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ ओनियन? प्याज का साइंटिफिक नेम क्या है, क्योंकि पढ़ना भी है आपको लिलियेसी फैमिली, एलियम सेपा, याद कर लीजिए। ठीक है, साइंटिफिक, यस यस, वेरी गुड, एलियम सेपा। तो एलियम सेपा, दिस बिलोंग्स टू फैमिली लिलियेसी। और अनियन में आप जो खाते हैं, द इडिबल पार्ट ऑफ अनियन इज द स्केली लीफ, जो जनरली व्हाइट होता है या लाइट पिंक कलर का होता है, ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं इसको, ये बल्ब भी है। अभी मेरे पास तुरंत क्वेश्चन आएगा, मैडम ये मॉडिफाइड स्टेम भी है, बल्ब एक्चुअली अनियन का जो पार्ट खाते हैं वो स्केली लीफ है। ओनियन बल्ब तो उसकी पूरी बॉडी है, लेकिन स्टेम यहाँ पे कहाँ है? जो प्याज में उस, देखा होगा आपने, गांठ होती है ना उसके हेड पर, जिसको काट के निकाल देते हैं, वहां से रूट्स भी निकलती हैं, वो मॉडिफाइड स्टेम होता है। ठीक है, हाँ, जो मिड में वाइट कलर की गांठ होती है, दैट इज, जिसका कोई यूज नहीं है, लेकिन वहां से एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं। ठीक है, अनियन के अलावा कैज्यूराइना, एस्पेरेगस, ठीक है, यहां पे भी आप स्केली लीव्स को देखेंगे। और स्केली लीव्स ज्यादातर कहां पाई जाती है? पैरासिटिक प्लांट्स में, क्योंकि स्केली लीव्स फोटोसिंथेसिस नहीं करती, तो पैरासिटिक प्लांट कस्क्यूटा, विस्कम, ये भी नहीं करते, इसीलिए वहां पे आपको मिलेगी। सेप्रोफिटिक प्लांट्स में आपको मिलेगी, ठीक है, और साथ में अंडरग्राउंड स्टेम में आपको मिलेगी, ठीक है, क्योंकि इनका काम फोटोसिंथेसिस का नहीं होता। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन नंबर फोर, दिस इज इंसेक्ट कैचिंग लीव्स, यानी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की जो पत्तियां होती हैं, जिनका एडाप्टिव नेचर होता है, ताकि वो इंसेक्ट्स को कैच करती हैं। ठीक है, तो इसमें आप जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जानते हैं, यहां एक चीज कॉमन है, जितने कॉमन इंसेक्टिवोरस प्लांट है, चाहे वो नेपेंथिस खासियाना, दिस इज पिचर प्लांट, यूट्रिकुलेरिया, ब्लेडर वर्ट, ड्रोसेरा, दिस इज संड्यू, ठीक है, ये वो प्लांट है जो इंसेक्ट को किल करता है। और फिर क्वेश्चन, वीनस फ्लाई ट्रैप, यस, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये भी इंसेक्टिवोरस है। तो यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल जो लिए हुए हैं, यहां पे लीफ मॉडिफिकेशन आपको मिलेगा, वीनस फ्लाई ट्रैप में भी लीफ होता है, ठीक है, मॉडिफाइड है। तो आप इमेज देख लें, पिचर प्लांट सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। यहां पे आप ऐसे ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, जिसपे एक ढक्कन, एक लिड लगी हुई है, और ये इंसेक्ट को पकड़ता है उससे नाइट्रोजन लेने के लिए, अपने फूड के लिए नहीं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ठीक है, बट जो पिचर, जो बैग होता है, उसमें डाइजेस्टिव लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं। व्हेन इंसेक्ट्स आर ट्रैप्ड इनसाइड द पिचर, द लाइसोसोमल एंजाइम किल्स द इंसेक्ट, एंड आफ्टर द डेथ ऑफ इंसेक्ट, देयर बॉडी विल रिलीज नाइट्रोजन आफ्टर डीकम्पोजिशन, एंड दिस नाइट्रोजन इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट। ठीक है, तो ये एक्चुअल फंक्शन होता है, एंड दिस इज सनड्यू। इसमें आप जो ये देख रहे हैं डॉट्स, ये ओस की बूंदों की तरह लग रहा है, एंड दिस इज पॉइजन, नॉर्मली फ्यूमरिक एसिड होता है, ठीक है, लेकिन बाद में ये हुआ कि कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारे उसका, मैं बताऊंगी आपको, मुझे भी एग्जैक्टली इतना ही पता है। और ये ब्लेडर वर्ट है, ठीक है, ये एक एक्वेटिक प्लांट है, ठीक है, सनड्यू भी आपका जो है ये उसी में आता है। तो बस इतना याद कर लें, इंसेक्टिवोरस प्लांट में लीफ, निपेंथिस कासियाना बहुत कायदे से पढ़िएगा, लीफ बेस मॉडिफाइड इनटू फ्लैट लैमिना लाइक बॉडी, ठीक है, और उसके बाद पिचर
जो होता है पिचर प्लांट, उसका पूरा बैग जो है वो लीफ मॉडिफिकेशन है। अट्रिकुलेरिया में कंपाउंड लीव्स होती हैं जिसका मॉडिफिकेशन आपको दिख रहा है वहां पे, और बहुत डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है इसको। देन नेक्स्ट वन इज ड्रोसेरा संड्यू, यहां पर भी ये भी एक अनदर इंसेक्टिवोरस प्लांट है। स्पून लाइफ लीव, स्पेतुला का मतलब होता है जिसकी आउटलाइन ऐसे स्पून की तरह हो, तो स्पेतुला शेप लीव्स होती हैं। दे मे और दे हैव टेंटिकल, टेंटिकल्स होते हैं इंसेक्ट्स को पकड़ने के लिए। और जैसे ही इसको सन ड्यू क्यों कहते हैं, जैसे सन के कॉन्टेक्ट में आता, सन की लाइट इस पर पड़ती है, इसमें ग्लिसरीन की तरह ऊजिंग होने लगती है, मतलब ग्लिसरीन जैसे ड्रॉप निकलने लगते हैं जिसपे इंसेक्ट अट्रैक्ट होता है और बैठ जाता है जाके, और बाद में वो इससे चिपक जाते हैं, और फाइनली वो जो निकला है ना वो लाइसोसोमल इंजाइम सिक्रीशन, वो पॉइजनस इंजाइम वो होते हैं, पॉइजनस केमिकल जिसमें इंजाइम्स होते हैं, और वो उसको किल कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट है नंबर फाइव। नंबर फाइव जो है इधर देख लें आप, एक्चुअली हाँ ब्रायोफिलम के बारे में बताना है। ये रिप्रोडक्टिव लीव्स हैं, ये टॉपिक एकदम अलग है। रिप्रोडक्टिव लीव्स का मतलब जब लीफ रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो, और आपने ये क्लास टेंथ में भी पढ़ा होगा, बहुत पुराना एग्जाम्पल है ब्रायोफिलम का। यहाँ पे जो लीव्स होती है ना, लीफ के किनारे पर छोटे छोटे एडवेंटिशियस लीव्स निकल आती हैं, रूट्स निकल आते हैं, और वो छोटा वाला जो लीफ ब्रायोफिलम की लीफ के मार्जिन पे निकला वो टूट करके गिर जाता है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़ा होगा आपने, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन ब्रायोफिलम लीव्स के थ्रू होता है, ठीक है। और बिगोनिया प्लांट जो है वहां पर भी ऐसे ही होता है। नेक्स्ट है लीफलेट हुक्स, ठीक है। हाँ ये देखें फिगर, ये है ब्रायोफिलम का, जहां पर आप ये छोटे छोटे कॉर्नर पे जो देख रहे हैं ना, ये सब लीफ बर्ड्स हैं, लीफ बर्ड्स हैं, इनसे लीफ पैदा होगी, मतलब नया प्लांट निकल आएगा पूरा। ये ब्रायोफिलम है, रिप्रोडक्टिव लीव्स होती हैं यहाँ पे। फिर लीफलेट हुक्स क्या होते हैं, लीफलेट हुक्स का मतलब लीफलेट में ऐसे हुक लाइक स्ट्रक्चर बनता, हुक का मतलब ऐसे नॉट लाइक, ठीक है। जनरली जो बिगोनिया, बिगोनिया अलग प्लांट है, ठीक है, और बिगनोनिया अलग प्लांट है, ठीक है। इसमें तीन टर्मिनल लीफलेट्स होती हैं जिनका मॉडिफिकेशन ऐसे क्लॉ लाइक पंजे की तरह होता है, और ये तो तीन होती हैं, तो तीन ऐसे दिखाई देंगे आपको, ठीक है, जिनसे ये क्लाइंब करते हैं, एक क्लाइंबर प्लांट होता है और ये चढ़ते हैं उसकी हेल्प से। फिर आता है लीफ रूट्स, इन केस ऑफ साल्विनिया, साल्विनिया में तीन लीव्स जो होती हैं वो एक नोड पे पाई जाती हैं, एंड आउट ऑफ द थ्री, ठीक है, दो जो होती हैं वो नॉर्मल होती हैं, यानी फोटोसिंथेसिस करने वाली। बनाना, बनाना में जो आप देख रहे हैं ना ग्रीन वाला पार्ट, एक्चुअली में वो ब्राक्ट होता है, ठीक है। और बनाना में, यस, बनाना की जो पूरी ट्री होती है ना, पूरी बॉडी, जैसे आप बनाना जनरली देखते हैं ये, तो यहां से ऐसे निकला हुआ है, पूरी पत्तियां निकली रहती हैं, तो ये पूरा का पूरा ही लीफ होता है, ठीक है, मतलब जो पत्तियों की तरह लग रहा है वो भी, और जो स्टेम की तरह लग रहा है वो भी लीफ है। बनाना में क्योंकि अंडरग्राउंड स्टेम होता है, ये कुछ केसेस में, इसने कहीं आप पढ़ेंगे इन चीजों के बारे में, तो बनाना में एक्चुअली क्या होता है, ये जो स्टेम है ये लीफ की तरह लगता है, और उसके बाद ये जो पार्ट है जो यहां से निकला हुआ है ये ब्रैक्ट्स होते हैं, ब्रैक्ट्स इतने ज्यादा डेवलप हो जाते हैं कि पूरा का पूरा लीफ लगने लगता है। तो बनाना में इतना पूरा पोर्शन ही लीफ होता है, और स्टेम एक्चुअली में कहां होता है, बनाना में, बनाना में कॉर्म के फॉर्म में स्टेम होता है जो अंडरग्राउंड होता है, ठीक है। तो साल्विनिया बता रही थी, एक बार इसको देखें, साल्विनिया में एक नोड पे तीन पत्तियां निकलती हैं, तीन में से दो नॉर्मल होती है जो फोटोसिंथेसिस करती है, और थर्ड लीफ जो होती है वो मॉडिफाई करती है एडवेंटिश, मतलब लीफ का कन्वर्जन किसमें हो जाता है, एडवेंटिशियस रूट में हो जाता है, और रूट में कन्वर्ट होने के बाद वो वॉटर सरफेस पे प्लांट को फ्लोट करने में हेल्प करती है, यानी साल्विनिया एक एक्वेटिक प्लांट है, ठीक है, याद कर लें। देन फिल्लोड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिल्लोड लीफ मॉडिफिकेशन, फिल्लोक्लेड इज स्टेम मॉडिफिकेशन, ठीक है। यहां पर आप एग्जांपल देखेंगे, ये लास्ट मॉडिफिकेशन है, आपने बबूल देखा होगा, अकेसिया,
अकेसिया के प्लांट में आप देखेंगे, ये ओरिजिनली आपको ऐसे दिखाई देगा, ये जो पार्ट में हाईलाइट कर रही हूं ना, ये दिस इज फिल्लोड. व्हाट इज फिल्लोड? मॉडिफाइड पेटियोल विच लुक्स लाइक अ लीफ इज कॉल्ड फिल्लोड. समझ रहे मेरी बात? ये कोई एक बड़ी पत्ती आपको लग रही है, ये कोई बड़ी पत्ती नहीं है, एक्चुअली में ये पेटियोल है. ठीक है, और ये जो पेटियोल है ये इतना मॉडिफाई कर गया है, देख करके बिल्कुल लीफ की तरह लग रहा है, फोटोसिंथेसिस भी करेगा. ठीक है, तो लीफ लाइक पेटियोल इज कॉल्ड फिल्लोड. ठीक है, इसको याद कर लें. बेस्ट एग्जांपल ऑस्ट्रेलियन अकेशिया. ठीक है, और इसके बाद इसका बॉटनिकल नेम अकेशिया मोनेलिफॉर्मिस. एंड वन मोर एग्जाम्पल इज देयर पार्किंसोनिया, जहां पे आप इसको स्मॉल प्रिकली ट्री बोलते हैं, जेरूसलम थॉर्न कहा जाता है, यहां पर भी आप फिल्लोड देखेंगे. ठीक है, फिल्लोड क्या होता है, कहां पाया जाता है, क्या फंक्शन, इतना ही पढ़ना है आपको. कैसे याद करना है? द मॉडिफाइड पेटियोल विच टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस, इट लुक्स लाइक अ लीफ, दिस इज कॉल्ड फिल्लोड, यूजुअली प्रेजेंट इन ऑस्ट्रेलियन अकेशिया एंड पार्किंसोनिया. ठीक है, नथिंग एल्स, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है आपको. लीफ टॉपिक हमारी खत्म. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर आपको रजिस्ट्रेशन की नोटिफिकेशंस फ्राइडे और सैटरडे के अंदर अंदर मिल जाएगी. क्लास विल बी कंडक्टेड ऑन संडे, तो हम उसमें स्टेम पढ़ेंगे. स्टेम के बाद में फ्लावर पढ़ाऊंगी आपको. फ्लावर में हम टाइप्स ऑफ फ्लावर को डिस्कस करेंगे, इनफ्लोरेसेंस को डिस्कस करेंगे. ठीक है, दो बड़ी टॉपिक खत्म हो जाएगी, और उसके बाद फिर बचेगा सीड है, फ्रूट्स है एंड फैमिलीज. दिस लेसन विल टेक 3 to 4 लेक्चर्स और. ठीक है, इसको 4-5 लेक्चर और लगेंगे खत्म करने में. थैंक यू, आज के लिए सिर्फ इतना ही. और अनअकैडमी के साथ बने रहिए, डाउट्स क्लियर करें. और जैसा कि मैंने एक बार अपने स्ट्रेटजी की क्लास में आपको बोला है, आपके पास हार्डली 130 डेज है स्टूडेंट्स. आज से भी अगर आप पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो आप एग्जाम तक नीट क्वालिफाई करने के लायक हो जाएंगे. डू प्रैक्टिस एवरी डे. मिनिमम जिस क्लास में है उतने घंटे आपको पढ़ना है, उतना भी अगर आप उसमें भी क्योंकि कम करेंगे तो 9 से 10 घंटे आपको डेली पढ़ाई करनी है. और ये सेल्फ स्टडी है, कोचिंग क्लासेस स्कूल अदर देन सब हटा करके. ठीक है, डेली 100 MCQs को अपने से प्रैक्टिस करिए, PCB मिला करके डेली लेसन्स के फॉर्म में सॉल्व करिए. आप 200 MCQ डेली फेस कर रहे हैं, आप रोज मतलब ज्यादा से ज्यादा सिर्फ क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन की वेरिएशंस देखेंगे तो आपका अपने आप कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा और आपको ये समझ में आएगा. क्योंकि टॉपिक तो 4-5 लाइन की होती है, लेकिन उस 4-5 लाइन की टॉपिक से क्वेश्चन 10 बन जाते हैं. तो आपको सिर्फ यही देखना है कि वो 10 क्वेश्चन कैसे हैं, ताकि नेगेटिव मार्किंग की तरफ आपकी एफिनिटी कम होने लग जाए. ठीक है, कीप हार्ड वर्किंग, कीप प्रैक्टिसिंग, और बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए. कम से कम बुक्स, मतलब बहुत सारी बुक्स लेके मत पढ़िए, जो सिलेक्टेड बुक्स हैं उनसे पढ़ाई करिए और उसको बार बार रिवाइज करिए, ताकि डाउट आपका जो है वो खत्म हो जाए. थैंक यू, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.